इस धरती पर न जाने कितने युद्ध हुए, कुछ को इतिहास के पन्नों में जगह मिली तो कुछ के बारे में इतिहास के पन्ने मौन हैं। एक ऐसा ही युद्ध हिंद की धरती पर लड़ा गया जिसका नाम था सारागढ़ी का युद्ध। जब मात्र 21 सिखों ने 10,000 अफगानों को धूल चटा दी, इस लड़ाई को दुनिया की 8 सबसे बेहतरीन लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इस युद्ध पर एक फिल्म भी बन चुकी है, पर हम सभी जानते हैं कि फिल्म में हर चीज नहीं बताई जाती। तो आइए आज हम आपको बताते हैं हिंदुस्तान के इतिहास की तगड़ी लड़ाइयों में शुमार सारागढ़ी युद्ध के पूरे घटनाक्रम को। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1897 का दौर था। भारत भूमि पर अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज भारत से बाहर के इलाकों में भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की सरहदों पर हमले करने शुरू कर दिए। उस जमाने में भारत और अफगान की सीमा पर दो किले हुआ करते थे, गुलिस्तान का किला और लोकहाट का किला। इनमें से लोकहाट का किला बड़े अंग्रेज अधिकारियों के लिए था, जहां पर बड़ी अंग्रेजी फौज तैनात रहती थी, जबकि गुलिस्तान का किला अंग्रेज सेना के भारतीय सिपाहियों के लिए था, जहां पर सिर्फ 21 सिख सैनिकों को तैनात किया गया था। कुल मिलाकर ये दोनों किले भारत और अफगानिस्तान की सीमा तय करते थे। यह वो वक्त था जब अफगान हमलावर आए दिन अखंड भारत की सीमाओं पर हमला करते रहते, जिसके जवाब में अंग्रेज भी अफगानिस्तान पर हमला बोल देते। इस कारण अफगानी कबीले अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए और वक्त के साथ ये कबीले एक बड़ी सेना में तब्दील हो गए। इस वक्त अफगानी कबीले बदला लेने की सोच रहे थे। धार्मिक नारों से गूंज रही अफगान सेना भारत पर हमला करने की तैयारी में थी। सारागढ़ी का माहौल गर्म था। अंग्रेजों ने यहां तैनात हिंद के योद्धाओं को सतर्क रहने को कहा। 12 सितंबर सन 1897 सुबह का समय था, जब सभी सिख सूर में सोए हुए थे। सूरज की पहली किरण के साथ जब उनकी आंख खुली तो सामने का नजारा चौंकाने वाला था। हजारों अफगानी सिपाही उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या देखकर सब हैरान थे। किसी को समझ नहीं आया कि करे तो करे क्या। 21 सिंह तुरंत अपनी अपनी बंदूकों की तरफ लपके। उनके पास बंदूकें तो थी, पर इतनी गोलियां नहीं थी कि वे ज्यादा देर तक दुश्मन का मुकाबला कर पाते। ऐसी विकट स्थिति में उन्होंने तुरंत बड़े अंग्रेज अधिकारी को संपर्क करना उचित समझा। कुछ मील दूर लोकहाट के किले पर अंग्रेजी अफसर बड़ी फौज के साथ रहते थे। सिखों ने उन्हें संदेश भेजकर बताया कि बड़ी संख्या में अफगान फौज ने हम पर चढ़ाई कर दी, उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। अंग्रेज अधिकारी ने कहा, इतने कम समय में सेना नहीं भेजी जा सकती, उन्हें अकेले ही मोर्चा संभालना होगा। किले में मात्र 21 सिख थे, जबकि किले के बाहर 10,000 अफगानियों का विशाल लश्कर। वाहे गुरु का नाम लेकर सभी 21 सिंह अपनी अपनी जगह पर मजबूती से तैनात हो गए। अफगान तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सारे सिख सैनिक अपनी अपनी बंदूकें लेकर किले के ऊपरी इलाके पर खड़े हो गए। चारों तरफ भयंकर सन्नाटा था। सिर्फ आगे बढ़ते अफगान सेना के घोड़ों की आवाज और उनके नारे सुनाई पड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में एक गोली की आवाज के साथ जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। सिंह किले के ऊपर थे और अफगानी नीचे। सिंहों की अंधाधुंध गोलियों के आगे अफगान आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कुछ ही समय में अफगानी समझ चुके थे कि यह जंग आसान नहीं होने वाली। वे किले के अंदर जाए बिना सिंहों को नहीं हरा पाएंगे, जिसके बाद उन्होंने एकजुट होकर सामूहिक रूप से
सिखों पर हमला बोल दिया। किले को चारों तरफ से घेर लिया गया और सिखों पर चौतरफा हमला बोला गया, लेकिन सिखों ने अपना हौसला नहीं गवाया। वो लगातार अफगानों से लोहा लेते रहे। 21 सिंह धमाधम गोलियां बरसा रहे थे, पर सामने 10,000 अफगानों का लश्कर था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था कि तभी अफगानी सैनिकों की एक टुकड़ी ने किले के दरवाजे पर हमला करने की कोशिश की, पर सिंहों ने उनको सफल नहीं होने दिया। अफगान बुरी तरह से बौखला गए। अफगानी सेना की एक टुकड़ी ने किले की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया और वे किले की दीवार तोड़ने में सफल भी हो गए। अब किले की दीवार टूट चुकी थी। अफगानी सैनिक तेजी से किले के अंदर घुसते जा रहे थे। अफगानियों के किले में आते ही बंदूकों की लड़ाई हाथों और तलवारों की लड़ाई में तब्दील हो गई। अफगानी लश्कर से लड़ना इतना आसान नहीं था, वो बहुत भारी संख्या में थे। इन सब के बावजूद सिख सैनिक लड़ते रहे। कई सिख सैनिकों को गहरी चोटें लग चुकी थी। उन 21 सिख सैनिकों में से कुछ सैनिक ऐसे भी थे जो पूरी तरह से सिपाही नहीं थे। उनमें से कुछ रसोइये थे तो कुछ डाकिये, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों के साथ जंग में कूद पड़े थे। अचानक से अफगानियों का पूरा लश्कर किले में उतर गया। आधे सिख वीरगति पा चुके थे और आधे लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे। पर धीरे धीरे सिख योद्धाओं का मनोबल टूटने लगा कि तभी हवलदार ईश्वर सिंह द्वारा दी गई जो बोले सो निहाल की आवाज ने सिंहों में जोश भर दिया। घायल सिंहों ने पुनः तलवारों को थामा और अफगानियों को अपनी तलवारों से काटना शुरू कर दिया। ऐसे ही सभी सिंह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के नारे के साथ आगे बढ़ते गए और अफगानियों को मौत के घाट उतारते गए। आखिरकार एक एक कर सभी सिख सैनिक मारे गए। वे सभी शहादत को प्राप्त हो गए, लेकिन मरते मरते वे अपने साथ लगभग 600 अफगानियों को मार चुके थे। 21 सिखों ने सारा गढ़ी के मैदान को अफगानों की लाशों से भर दिया। आखिरकार दुश्मन भी बुरी तरह थक गया और अपने लश्कर पीछे खींच लिए। जब अफगान लश्कर पीछे लौटा तो अगले ही दिन एक बड़ी अंग्रेज फौज वाले भारतीय सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया और सबको मौत के घाट उतार दिया। इस तरह सिर्फ 21 सिखों ने मरना कबूल किया, पर हिंद की सरहद को दुश्मन के कब्जे में जाने से रोक दिया। दोस्तों, हमारे इतिहास, धर्म और महान योद्धाओं पर हजारों लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं, पर हर किताब को पढ़ना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में आप भी जमाने के साथ चलिए, किताबों को पढ़िए नहीं, कुकू FM पर सुनिए। मान लीजिए आपको महाराणा प्रताप के बारे में जानना है, या पेशवा बाजीराव, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो कुकू FM खोलिए, ऑडियो बुक ओपन करिए और सुनिए हजारों महागाथाएं। आप काम करते हुए, घूमते हुए या कहीं भी, कभी भी भारत का इतिहास, मोटिवेशन, हॉरर और सफल लोगों की जीवनियां सुन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन देकर आपकी रुचि के अनुसार आपकी पसंद की हर चीज कुकू FM पर सुन सकते हैं। और इस दिवाली हमारी तरफ से आपको यह उपहार है, हमारा कूपन कोड DP20 लगाकर आप 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और यही नहीं, दिवाली 50 कोड लगाकर तो आप पूरे 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो इस दिवाली जलाइए एक ज्ञान का दीपक। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के साथ अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM और कूपन कोड लगाकर बन जाइए एक प्रीमियम मेंबर। सारा गढ़ी का युद्ध बताता है कि भारत वीरों की भूमि है। यहां लोग हंसते हंसते अपने वतन पर कुर्बान हो जाया करते हैं। आज सारा गढ़ी का मैदान, जिसकी रक्षा के लिए हमारे वीरों ने रक्त बहाया, आज वो पूरा इलाका पाकिस्तान में है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सारा गढ़ी के वीरों की जयकार जरूर लगाएं।
दोस्तों भारत में और भी ऐसे कई युद्ध हुए जो आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम डाउनलोड करें, लिंक और सभी कोड डिस्क्रिप्शन में है। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।